Assalamualaikum. This is Maria Kokab, your math mentor. Welcome to my YouTube channel, Math Breaker. In my previous videos, I have already discussed with you the algebraic expressions and its type. After that, I have discussed with you the six different methods, six different ways to solve any difficult algebraic expression. In this video, I am going to solve this example, these questions by using those six ways. Those six ways are, first one, umbrella method. Second one, small power plus multiple as common. Third one, use of identities in proper way. Fourth one, use of identities in reverse way. Fifth one, fraction. And the sixth one, factorization. Now I am going to solve these questions by using these six ways. First, what we have to do in the question? Look at the denominator, x square minus 3x plus 2. जिसको हमने midterm break के साथ solve किया था, तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर फॉलो करते हैं और मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर फैक्टराइजेशन के टॉपिक में, फैक्टराइजेशन की वीडियो में हमने कवर किया था. प्रोसीजर को कैसे फॉलो किया था हमने? सबसे पहले हमारे पास नंबर थे ए सी इज इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 2. सेकेंड पे हमने नंबर्स को फाइंड करना था. कैसे नंबर्स थे? जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए और प्लस करें तो हमारे पास माइनस 3 आए. थर्ड पे हमने मल्टीपल फाइंड किए थे, तो हम मल्टीपल फाइंड करते हैं 2 के, तो हमारे पास 2 के सिर्फ एक ही मल्टीपल है. तो हमें तो ये पता है कि 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आ जाता है. साइन चेक करें, माइनस 3 तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 होता है और 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा. तो दो नंबर्स हमें सेलेक्ट हो गए. नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक मिड टर्म. फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज. तो मिड टर्म को कैसे लिखेंगे? माइनस 2x माइनस x. सेम प्रोसीजर, सेम फॉलो अप यहां पे भी हमने करना है. फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म 3 एज इट इज. हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 3 आए, प्लस माइनस करने से माइनस 4 आए. मल्टीपल फाइंड करें 3 के, तो 3 वन्स आर 3, हमारे पास एक ही मल्टीपल है. तो अब चेक करते हैं क्या लिखेंगे. 3 वन्स आर 3, 3 और 1. साइन चेक करें, माइनस 3 और माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा. अभी तक हम 6 फैक्टराइजेशन को फॉलो कर रहे थे. अब इसके बाद हम x यहां से और यहां से कॉमन ले लेते हैं. x तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 2, यहां पे माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1. देयर इज नो नंबर कॉमन फ्रॉम देम, सो माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 2. यहां से भी x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 माइनस 3 एक्स माइनस 3.
चेक कीजिए x माइनस टू, x माइनस टू सेम है, x माइनस वन, x माइनस वन भी सेम है, तो इट मींस कि हमारी फैक्टराइजेशन परफेक्ट हुई है। यहाँ पे इसके बाद माइनस टू आ जाएगा, इसके बाद यहाँ माइनस वन आ जाएगा, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन। इसके बाद हम फिफ्थ वन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे करनी है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन दो दफा है तो हम उसको फ्रैक्शन में एक दफा लिखते हैं। एक्स माइनस वन भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक्स माइनस टू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स माइनस थ्री इस एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स माइनस थ्री भी यहाँ है, एक्स माइनस वन भी यहाँ है, तो एक्स प्लस टू के साथ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम कौन सा दो फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम अम्ब्रेला मेथड अप्लाई करने लगे हैं। अम्ब्रेला मेथड अप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां आप देखिए, यहां आप चेक कीजिए कि हमारे पास यूज ऑफ आइडेंटिटी इन रिवर्स वे कैसे होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए की वैल्यू यहां पे एक्स है, बी की वैल्यू टू है, तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज सारे नंबर्स आ जाएंगे। यहां तक चेक कीजिए कि हम फ्रैक्शन को भी अप्लाई कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन को भी अप्लाई कर चुके हैं, आइडेंटिटी को भी अप्लाई कर चुके हैं, इवन के हम स्मॉल पावर्स को भी कॉमन ले चुके हैं यहाँ डिनोमिनेटर में इस स्टेप में, और अम्ब्रेला मेथड को भी हम अप्लाई कर चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल अलजेब्रा की एडिशन के थ्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा वन और वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन। डिनोमिनेटर में ये नंबर आ जाएंगे यहां। तो गाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यस, देन क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड। See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.